एक समान मिलिट्री सर्विस पे यानी कि इक्वल एमएसपी 15,500 करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एएफटी चंडीगढ़ में हम इक्वल एमएसपी का केस हार गए थे। एक जो जवान था उसने इक्वल एमएसपी का केस किया था एएफटी चंडीगढ़ में और वो केस हम हार गए थे। उसके बाद जब हमने दिल्ली हाई कोर्ट में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया तो उस केस में ऑफिसर की तरफ से एमओडी की तरफ से जो वकील थे उन्होंने वही दलील रखी कि ये ऑलरेडी ये केस हार चुके हैं एएफटी चंडीगढ़ में, तो वो दोबारा आप केस क्यों कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हर्डल था जिसको हमने क्रॉस किया और अब उसकी सुनवाई हो रही है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो वो हर्डल क्रॉस करना ही बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जो हम केस हार चुके हों उसकी दोबारा सुनवाई होना बहुत बड़ी बात है। अभी मैं कुछ तथ्य ऐसे रखता हूं जो कि एएफटी चंडीगढ़ में नहीं रखे गए थे जिसकी वजह से वो केस हम हारे थे। अब जो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में केस में तथ्य रखे हैं, साक्ष्य रखे हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि इक्वल एमएसपी में कोई ऐसी वजह नहीं होगी जो हमें इक्वल एमएसपी ना दी जाए। पहले तो मैं एक दिल्ली हाई कोर्ट के वकील हैं उनकी बात सुनाता हूं। एडवोकेट हैं शमशेर सिंह, इन्होंने बधाई दी थी वीर बहादुर साहब को। क्यों बधाई दी थी कि इन्होंने क्यों बधाई दी थी वो मैं बताऊं। उससे पहले वीर बहादुर साहब को बधाई दी थी जो शमशेर सिंह एडवोकेट हैं, और इसके बाद एयर वेटरन्स बहल जी को बधाई दी थी, जितेंद्र राव जी को बधाई दी थी, और दो वेटरन्स ने और इसमें केस किया हुआ है उनको भी बधाई दी थी, राजस्थान के हैं वो। इसमें जो बधाई क्यों दी थी कि दो तीन बार से लगातार हमारा जो केस है इसमें तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं रक्षा मंत्रालय के वकील, और जो बार बार तारीख ले तो समझ जाना कि वो केस हार रहा है, नहीं तो कोई तारीख बार बार नहीं लेता है। तारीख बढ़ाने का मतलब है उनके पास जो साक्ष्य पेश किए गए हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से, उनके पास कोई तर्क और तथ्य नहीं है। इन्होंने कहा है कि एमओडी टू फाइल काउंटर बाई एमओडी टू फाइल काउंटर एफिडेफिट होनबल जस्टिस श्री सचदेवा जी इस्माइल एंड सेड वी विल कंक्लूड पिटीशन ऑन 9 अक्टूबर एट 15:30। जब उनको 2 वीक का एक्सटेंशन दिया था, बढ़ाया गया था, 9 अक्टूबर डेट दी गई थी, लेकिन 9 अक्टूबर को हियरिंग हो नहीं पाई, उसके बाद 1 महीने और बढ़ा दिया गया, 9 नवंबर कर दिया गया, जिसकी आज सुनवाई हो रही है। और बता दें एज पर माई ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कहा जो एडवोकेट थे, एज पर माई ऑब्जर्वेशन हॉनरेबल कोर्ट इज हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इफ ऑलमाइटी ब्लेस वी विल वेरी फेवरेबल वर्डिक्ट ऑन 9 अक्टूबर। यानी कि अगर 9 अक्टूबर को सुनवाई हो जाती तो हमारे फेवर में आने की पूरी संभावना थी, लेकिन 9 अक्टूबर को सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब आज 9 नवंबर को सुनवाई होगी, तो इसमें पूरी उम्मीद है कि अगर सुनवाई हुई तो हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा, क्योंकि फैसला इसलिए आएगा। मैं कुछ आपको तथ्य और साक्ष्य पेश करता हूं जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और बाकियों ने रखे हैं। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एमएसपी और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों में जवानों को तर्क का कोई जवाब अफसरों और सरकार के पास नहीं है, सिर्फ एक ही राग अलापते रहते हैं, ये लेटर में ऐसा लिखा है और उस लेटर में ऐसा लिखा है। यानी कि अपने पुराने जो सर्कुलर है वो दिखा देता है एमओडी। समान मिलिट्री सर्विस पे का फैसला सैनिकों के हित में आएगा यदि जज साहब यही मन बना ले कि हमें फैसला सरकार के पक्ष में देना है तो बात अलग है, ये कहना है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का। अब ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, अब इनके साथ आप देखें। पहला तो जो रक्षा मंत्रालय ऑफिसर के वकील थे उन्होंने बेसिक पे के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि एमएसपी दी जाती है बेसिक पे के आधार पर। अगर एमएसपी बेसिक पे के आधार पर दी जाती है तो जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो निदेश गुप्ता जी थे उन्होंने कहा अगर एमएसपी बेसिक के आधार पर दी जाती है
ब्रिगेडियर से ऊपर वाले रैंक को तो सबसे ज्यादा एमएसपी मिलनी चाहिए, लेकिन उनको एमएसपी नहीं दी जाती है। इसके बाद अगर बेसिक एमएसपी बेसिक के आधार पर एमएसपी दी जाती तो जेसीओ और सिपाही की एक बराबर एमएसपी क्यों की जाती है? क्या सिपाही का जो बेसिक है वो जेसीओ की बेसिक के बराबर है? तो बेसिक पे के आधार पर नहीं दी जाती है, ये दो बातें बिल्कुल क्लियर करती हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि रैंक के आधार पर दी जाती है, रक्षा मंत्रालय के वकील ने कहा। तो दिल्ली हाईकोर्ट में जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है उनकी तरफ से कहा गया अगर रैंक के आधार पर एमएसपी दी जाती तो भी ब्रिगेडियर एंड एबो को सबसे ज्यादा एमएसपी मिलती, क्योंकि उनकी रैंक सबसे बड़ी है। और जो सिपाही की है एमएसपी अगर रैंक के आधार पर दी गई होती तो सिपाही को सबसे कम मिलती। जेसीओ को सिपाही के बराबर तो मान नहीं सकते, उनकी रैंक तो काफी बड़ी है तो उनको एमएसपी ज्यादा मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेसीओ ओआर को जो एमएसपी दी जाती है वो बराबर मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैंक के आधार पर भी एमएसपी नहीं दी गई है, रैंक के आधार पर नहीं हुई और बेसिक के आधार पर नहीं हुई, जो रक्षा मंत्रालय के वकीलों ने कहा था। यानी कि वो दोनों तरफ से कोर्ट में पूरी तरह से निराश हुए इस बात को लेकर। अब एक आरटीआई भी आया है जो एमएनएस को एमएसपी दी गई है जेसीओ ओआर से ज्यादा, जो नॉन कंपिटेंट रैंक है, वो मैं आरटीआई आपको दिखाऊंगा। उस आरटीआई से भी एक अधिकारी ने भी ये कहा है कि एमएनएस की जो आरटीआई आई है उससे ये सिद्ध होता है कि एमएनएस नॉन कंपिटेंट है और वो इतना इक्वल जो एमएसपी उनको दी जा रही वो इस लायक नहीं है। अब मैं बता दूं कई अलाउंस जेसीओ ओआर और ऑफिसर के ऐसे हैं जो बराबर हैं या फिर उन अलाउंसों में 70% का मात्र अंतर है, यानी कि जो जेसीओ ओआर अलाउंस लेते हैं और ऑफिसर अलाउंस लेते हैं उनमें मात्र 70% का अंतर है, और जबकि एमएसपी में 300% का अंतर आया है, क्योंकि तीन गुना है इसका मतलब 300%। जवान जेसीओ की 5200, ऑफिसर की 15500, तीन गुना के आसपास का अंतर है। इसका मतलब है कि एमएसपी और फील्ड अलाउंस जितने हैं उन अलाउंसों में काफी डिफरेंस है, और एमएसपी जो फील्ड अलाउंस है उस आधार पर एमएसपी को देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फील्ड एरिया के अलाउंस जहां पर जेसीओ ओआर को 15,000 मिलता है वहीं अधिकारियों को 25,000 दिया जाता है। तो वह आप समझ सकते हैं कि एमएसपी में ऐसा नहीं हुआ है, ये कितना कम अंतर है और ये कितना कम है, एमएसपी वाला कितना ज्यादा अंतर है। तो फील्ड एरिया का जो अलाउंस है उस हिसाब से एमएसपी नहीं दी गई है। अब वो कारण क्या रहा? वो कारण यही रहा कि जो जहां पर जेसीओ ओआर को एमएसपी जितनी मिलनी चाहिए थी वो एमएसपी एमएनएस को वो दे दी गई, इस वजह से ऐसा हुआ है। जेसीओ ओआर की अगर एमएसपी 10,800 होती तो ये कभी ये बवाल नहीं होता, ना तो ये केस होता ना ऐसा होता, लेकिन वो जो एमएसपी एमएनएस को दी गई वो जेसीओ ओआर की बन रही थी, जो फील्ड एरिया अलाउंस के हिसाब से अगर देखा जाए। अब फिफ्थ सीपीसी का एक पैरा है जिसमें कहा गया है पीबीओआर एंड ऑफिसर दोनों को एक समान रिस्क है, इसलिए इनको स्पेशल कंपनसेशन मिलना चाहिए और इसी वजह से एमएसपी दी गई थी। यानी कि दोनों को समान रिस्क है, ये बिल्कुल क्लियर एक पैरा में कहा गया था फिफ्थ पे कमीशन में। एक दूसरे में बात की गई थी समान मिलिट्री सर्विस पे का फैसला सैनिकों के हित में आएगा, जिसमें जज साहब भी इसे मना नहीं कर सकते हैं, भले सरकार पक्ष कुछ भी रखे। आपको मैं एक और लेटर दिखाता हूं जो रक्षा मंत्रालय का लेटर है। रक्षा मंत्रालय ने एक जवाब दिया था कि जो जेसीओ ओआर अपने रेज उठा रहे थे, पॉइंट उठा रहे थे एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, उसमें फिटमेंट फैक्टर के बारे में कहा था, इसके बाद बेनिफिट ऑफ ओआरओपी प्रीमेचर को बेनिफिट नहीं दिया गया था, उसमें गोलमाल जवाब दिया था, इसके बाद अफसर ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं इस पर जवाब दिया था, ये सब गोलमाल जवाब थे। लेकिन जो एक जवाब दिया था इक्वल एमएसपी शुड बी फिक्स्ड फॉर जेसीओ एज वेल एज ऑफिसर, क्या जेसीओ के बराबर जो जेसीओ हैं उनको ऑफिसर के बराबर एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए? इस पर उन्होंने जो जवाब दिया था मिलिट्री सर्विस पे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिक्स्थ सीपीसी व्हाइल डिसाइडिंग द रेट ऑफ एमएसपी इन केस ऑफ जेसीओ ओआर सिक्स्थ सीपीसी फाइनलाइज द अमाउंट ऑफ रुपीज, यानी कि जो रुपीज मिल रहे हैं सिक्स्थ सीपीसी के अनुसार मिल रहे हैं। अब मैं बता दूं कि सिक्स्थ सीपीसी जो दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया
की जो रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि 6 CPC के अनुसार उनको MSP इस हिसाब से मिल रही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वकील ने कहा था कि हम यही चाहते हैं जो 6 CPC में ये गलती की गई है, ये सर्कुलर जारी किया गया है, इसमें ही गलती है, इसी को हम सुधारने के लिए दो जो दिल्ली हाईकोर्ट में हमने केस किया हुआ है। यानी कि जो हमने ये जो 6 CPC में गलती हुई है, JCOR को MSP कम देके उसी लेटर में हम संशोधन चाहते हैं, इसीलिए हमने केस किया है। अब आप समझ सकते हैं कि जब दिल्ली हाईकोर्ट में ये कहा गया कि जो रक्षा मंत्रालय ने जो लेटर 6 CPC का जारी किया उसमें ही हम अमेंडमेंट चाहते हैं, इसलिए हमने दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया है, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा तो बात ही खत्म हो जाती है कि MSP कि इस लेटर के हिसाब से मिली, उस लेटर के हिसाब से मिली, अगर वो लेटर में ही संशोधन चाहते हैं, उसमें कुछ कमी हुई है तो उसमें संशोधन करने की जरूरत है। अब मैं एक और आपको बताता हूं, जब 5th और 6th, 7th CPC में MSP बेस्ड ऑन बेसिक सैलरी, ये दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया जो ऑफिसर के वकील थे उनकी तरफ से, तो उसमें यह हुआ कि MSP ऑफिसर को दी जाती 15,500, MNS को 10,800, JCOR को 5,200, सिपाही का बेसिक 1,800 है जबकि JCO का 50,000, सिपाही का बेसिक 18,000 है जबकि JCO का बेसिक 50,000। तो अगर बेसिक के आधार पर MSP दी गई होती तो सिपाही और JCO को एक बराबर MSP कैसे दी जा रही है जबकि उनका बेसिक में बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब यह हुआ दिल्ली हाईकोर्ट में यह कहा गया कि MSP बेसिक के आधार पर नहीं दी गई। अब मैं बता दूं MSP बेस्ड ऑन रैंक, यह भी कहा गया ऑफिसर के वकील के द्वारा, अगर रैंक के हिसाब से MSP दी गई होती तो जो PBOR है उसमें यह रीजन उन्होंने फाइंड किया कि ब्रिगेडियर एंड एबो को रैंक सबसे ज्यादा होती है, उनको MSP सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए। JCOR नॉट इक्वल टू सिपाही, सिपाही के बराबर JCO तो नहीं हो सकता है, तो उनको MSP सिपाही के बराबर क्यों दी जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि रैंक के आधार पर भी MSP नहीं दी गई। तो ये JCOR दोनों चीज प्रूफ करने में बिल्कुल सही साबित हुए कि बेसिक के आधार पर MSP नहीं दी गई और रैंक के आधार पर MSP नहीं दी गई। अब MSP किस आधार पर दी गई, MSP बेस्ड ऑन 5th CPC रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर के हिसाब से MSP दी जानी थी, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, वही इसमें हम चाहते हैं कि हमारा जो केस है वही उसी में अमेंडमेंट किया जाए। ऑफिसर MSP 15,500 जो रिस्क है उनको बहुत ही कम है, लेस रिस्क। MNS MSP 10,800 जीरो रिस्क है उनको, और JCOR MSP 5,200 हाई रिस्क है उनको। यानी कि रिस्क के आधार पर MSP दी गई, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा रिस्क है, हाई रिस्क है, उसको MSP सबसे कम, और जिसको रिस्क है ही नहीं उसको डबल MSP JCOR से दी जा रही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में ये साक्ष्य पेश किए गए। अब इन साक्षियों का कोई भी, इन तर्कों का कोई भी जवाब नहीं था रक्षा मंत्रालय के वकील के पास, और वही कारण है कि वो बार बार तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं और कोर्ट भी उनको तारीख पर तारीख देता जा रहा है। आज क्या होगा आगे मैं आपको इसमें अपडेट देता हूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये लेटर भी जो JCOR की तरह कंपाइल किया गया है, उसमें जो हियरिंग हो रही है उसमें ये लेटर भी सबमिट किया गया है बाकी साक्षियों के साथ। ये है रिस्क और हार्डशिप अलाउंस का 7th CPC का रिकमेंडेशन का लेटर, जिसमें रिस्क और हार्डशिप अलाउंस जो होता है ऑफिसर का 10,500 है, वही JCOR का 6,000 है। यानी कि यह सिद्ध करता है कि रिस्क और हार्डशिप अलाउंस में जो अंतर है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि MSP में जो अंतर है बहुत ज्यादा है, 3 गुने से भी ज्यादा है अफसर और OR में। ये इसमें आप देख सकते हैं 10,500 ऑफिसर के लिए है और 6,000 रुपए मात्र JCOR के लिए है। कितना अंतर है आप समझ सकते हैं, सिर्फ 4,000 रुपए, ये डबल भी अंतर नहीं है। वही एक और अलाउंस है वो भी देख लें, 25,000 ऑफिसर के लिए, JCOR के लिए 17,000 है। तो ये अलाउंस में जितना अंतर नहीं है, फील्ड एरिया अलाउंस भी आप देख सकते हैं, ये फील्ड एरिया अलाउंस है जो 10,500 है वही 6,000, तो ज्यादा अंतर नहीं है, डबल भी नहीं है, लेकिन MSP 5,500 और कहां 15,500। तो ये बिल्कुल सिद्ध करता है, ये लेटर भी इसमें कंपाइल किया गया है कि फील्ड अलाउंस
जिस तरह से दिया जाता है वही है एमएसपी का भी जो है अलाउंस, वही सेम है। तो उसमें जो अंतर आना चाहिए वो सेम अंतर आना चाहिए, इतना बड़ा अंतर नहीं रहना चाहिए। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो एमएसपी फिफ्थ पे कमीशन और सिक्स्थ पे कमीशन में कहा गया था, एज पर ये कहा गया था एज पर परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग पे, जो आपको पे मिल रही है उसके बेसिक पे के आधार पर एमएसपी दी गई, उसका मैंने आपको जिक्र किया, बेसिक के आधार पर नहीं दी गई एमएसपी। एमएसपी बिकॉज द डिफिकल्टी फेस्ड इन फील्ड सिचुएशन बाई बोथ दीज कैटेगरी ऑफिसर और पीबीओ आर सिमिलर, इसमें यह कहा गया दोनों को कठिनाई के आधार पर एमएसपी दी गई है और कठिनाई दोनों को बराबर होती है, ये लिखा गया था फिफ्थ पे कमीशन और सिक्स्थ पे कमीशन में जब एमएसपी का रिकमेंड किया गया था। मिनिमम प्री रिवाइज बेसिक पे एट द एंट्री लेवल ऑफ ऑफिसर 8,250, जब फिफ्थ पे कमीशन में कहा गया था एमएसपी देने की बात कही गई थी, तो उस समय अफसर की जो बेसिक थी, बेसिक लेवल वो 8,250 रुपए थी, वही पीबीओआर का 3200 रुपए बेसिक था, उस समय बेसिक 3200 हुआ करता था जब फिफ्थ पे कमीशन में रिकमेंडेशन की गई थी। उसमें जब उस समय जो जवानों को थी वो 2000 दिया गया था एमएसपी, ऑफिसर को अलग दी गई थी लगभग 5700 रुपए एमएनएस को, इसके बाद ऑफिसर को अलग दी गई थी, सबको अलग अलग दी गई थी, यानी कि आप बेसिक के आधार पर दी गई थी। मैं आपको इसमें बता दूं, इसके बाद जब एमएसपी 2000 से 5200 की गई तो उसमें 2.6 का मल्टीप्लाई कर दिया गया 7 CPC में। अब मैं बताता हूं इसमें एक चीज और जरूरी है, ऑफिसर का उस समय बेसिक था 8,250 फिफ्थ पे कमीशन में जब एमएसपी का रिकमेंडेशन किया गया था, वही एमएनएस का 5700 था बेसिक, जेसीओ का 5620 रुपए था, ओआर का 3200 रुपए था। अब पीबीओआर को इसमें जब जोड़ा गया, सिर्फ पीबीओआर का जोड़ दिया गया, जेसीओ को अलग नहीं किया गया, और वही एमएसपी 6200 ऑफिसर को दे दी गई उस समय, 4220 रुपए एमएनएस को दे दी गई, लेकिन जो जेसीओ को मिलनी चाहिए बेसिक के आधार पर 4150 रुपए वो नहीं मिली, सिर्फ 2336 रुपए बन रही थी, जिसमें कि 2308 रुपए सिर्फ ओआर को दी गई। अब आप समझ सकते 2308 बननी थी, उसमें भी 2000 दी गई मात्र, वही 4200 एमएनएस को दी गई, 6000 ऑफिसर को दी गई, पीबीओआर को जेसीओआर को एक साथ 2000 दी गई। अब मैं बता दूं 2.6 का मल्टीप्लाई 7 CPC में करके जो अभी इस समय एमएसपी मिल रही 15,500 ऑफिसर को, एमएनएस को 10,800, और वही जेसीओ को बननी थी 10,790 रुपए, इस समय जेसीओ को बननी थी 10,790 रुपए बेसिक के आधार पर। अगर ओआर को जो एमएसपी बेसिक के आधार पर भी देते तो 6,073 रुपए बननी थी, लेकिन 5200 रुपए मिल रही है, जो जेसीओ को 10,790 बननी थी वो 5200 दे रहे मिल रही है, यानी कि बेसिक के आधार पर भी मिलती तब भी एमएसपी ये होनी थी, ये नहीं होनी थी जो अब इस समय मिल रही है। अभी मैं और एक साक्ष्य पेश करता हूं कि साक्ष में एमएसपी क्यों हमें हमारी एमएनएस से तो 100% ज्यादा होनी चाहिए, भले ऑफिसर से कम हो किसी भी हिसाब से। आपको बता दूं एमएसपी फॉर ऑल डिफेंस पर्सन बट नॉट कमटेंट लेस देन अदर कमटेंट रैंक, यानी कि फिफ्थ पे कमीशन सिक्स्थ पे कमीशन में एमएसपी देने के लिए सभी डिफेंस पर्सनल को दो कैटेगरी में बांटा गया था, कमटेंट रैंक ऑफिसर जेसीओ और ओआर ओनली कमटेंट रैंक में आते थे, नॉन कमटेंट रैंक एमएनएस, नॉन कमटेंट इनरोल इन एयरफोर्स, कमटेंट नॉन कमटेंट रैंक को एमएसपी बेसिक के आधार पर देना, लेकिन नॉन कमटेंट रैंक को एमएसपी कमटेंट रैंक से कम नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा हुआ था फिफ्थ पे कमीशन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर्विंग ऑफिसर को दी जा रही थी 6000 जो बढ़ाकर 15,500, नर्सिंग ऑफिसर को 4,200 जो बढ़ाकर 10,800 हुई, इसके बाद जेसीओ को 2000, जेसीओ ओआर को 2000 से 5200 रुपए हुआ, नॉन कमटेंट को 1000 से 3,600 रुपए, यानी कि इतनी बढ़ोतरी हुई। वहीं जो नॉन कमटेंट एमएनएस थी उनको एमएसपी जेसीओ ओआर से ज्यादा कर दी गई, तो वो भी फिर इसमें भी विसंगति पैदा कर दी गई। तो इतने साक्ष्य होने के बाद अब रक्षा मंत्रालय बार बार केस को बढ़ाते जा रहा है, वही एक आरटीआई भी आ गई बीच में, आरटीआई ने ऐसा खुलासा कर दिया
कि जो एमएनएस है एमएनएस के ऊपर आरटीआई आई थी समान मिलिट्री सर्विस पे पर, सभी जेसीओ जवानों को बधाई। आरटीआई के आर्मी और नेवी के ऐसे जवाब आए जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज भी नकार नहीं सकते हैं। कौन कौन से आए थे? एमएनएस कंप्लेंट रैंक है ये पूछा गया था तो जवाब आया नहीं। क्या एमएनएस बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करती हैं? तो जवाब आया नहीं, केवल ड्रिल करती हैं वो भी बेसिक। क्या इनका पीरियोडिकली बीपीटी पीपीटी फिजिकली काम होते हैं? जवाब आया था नहीं। क्या एमएनएस आर्मी एक्ट के दायरे में आती हैं? जवाब आया था 39 और 63 को छोड़कर किसी भी आर्मी एक्ट के सेक्शन के दायरे में नहीं आती हैं। ये फील्ड हॉस्पिटल में तैनात होती हैं? जवाब आया नहीं। नेवी शिप पनडुब्बी आदि में तैनात होती हैं? जवाब आया नहीं। तो पेशेंट का वहां पर ध्यान नर्सिंग असिस्टेंट और डॉक्टर रखते हैं। क्या एमएनएस हथियार ऑथराइज है? जवाब आया नहीं। तो आप समझ सकते हैं मिलिट्री सर्विस पे जरूर दी जा रही लेकिन हथियार ऑथराइज नहीं है, बीपीटी ऑथराइज नहीं है इनको, तो एमएसपी इनको ज्यादा दी जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी विसंगति है। ये जो जवाब आया आरटीआई का, इस आरटीआई के जवाब का कोई भी जवाब नहीं है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और इसे जज भी नकार नहीं सकते हैं क्योंकि आप मिलिट्री पे दे रहे हैं और वो मिलिट्री के कोई काम कर नहीं रही है। और कई जानकारियां हैं हमारे एमएसपी केस को मजबूती देंगी। जवाब पूरा पढ़ें, आरटीआई से मिले इस जेसीओ ओआर को अहम मान रहे हैं क्योंकि ये सरकार भी इसको तथ्यहीन नहीं मान सकती है क्योंकि इसमें बिल्कुल आरटीआई में जो जवाब आते हैं बिल्कुल सही और सटीक आते हैं। एक और चीज इसमें है, लेटर जिसको भी कंपाइल किया गया है, डिफेंस पर्सन आर ट्रेंड वार लाइक सिचुएशन, एक ये लेटर है जिसमें 6 पे कमीशन और 5th पे कमीशन में दोनों जगह जिक्र किया गया था कि जो जेसीओ वार है इनको समान सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है वार लाइक सिचुएशन में। इसमें कहीं एमएनएस का नाम नहीं था लेकिन एमएनएस को एमएसपी ज्यादा दी गई। अब मैं बता दूं दूसरी बात एक और है, इक्वल एमएसपी 15,500 अगर हो जाती है दिल्ली हाईकोर्ट में, हम फैसला हमारे पक्ष में आ जाता है तो हमें इसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है क्योंकि हमारी जो एमएसपी है 2006 से बढ़ोतरी होनी है क्योंकि उस समय हमें 2006 में एमएसपी जो मिल रही थी वो मात्र 2000 मिल रही थी जो कि 6000 मिलनी थी 2006 से 2016 तक। तो इसका अगर एरियर देख लें तो 2.4 लाख एरियर बनता है उस हिसाब से 4000 की बढ़ोतरी होने के बाद। अगर हम केस जीत गए तो 2016 के बाद अब तक जो हमारा एरियर बनेगा वो 4.6 लाख बनेगा क्योंकि 10,300 एरियर का बढ़ोतरी होगी। अगर सरकार ये एरियर अगर देगी तो वो लगभग एरियर 7 लाख के अप्रोक्स बन रहा है जेसी ओवर का एरियर, चाहे किसी भी रैंक से हो क्योंकि उनको 2006 से 2000 अभी तक का वो एरियर बन रहा है 7 लाख। तो सरकार इतना बड़ा एरियर देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर जवान को 7-7 लाख देना बहुत सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब जवान जेसीओ तो यही कह रहे हैं भले एरियर ना मिले लेकिन इस समय से ही हमारी एमएसपी अगर बराबर हो जाती है तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं, एक ऑफिसर है जिन्होंने एमएसपी के बारे में जो कहा उनकी भी बात सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि उनको ये लगता था कि एमएसपी तो हम एक बार केस जीत चुके हैं एएफटी चंडीगढ़ में, तो ये एमएसपी का केस बहुत ही कमजोर है। लेकिन जो कमजोर नहीं रहा, अब ये केस इतना मजबूत हो गया है कि हम इसमें जीतने के पूरे पूरे संभावना है। इन्होंने कहा था प्लीज रीड आर्मी एक्ट 3, एमएनएस ऑफिसर आर इन द कैटेगरी ऑफ ऑफिसर एंड हेंस दे गेट द एमएसपी ऑफ ऑफिसर। यानी कि इन्होंने कहा आर्टिकल सेक्शन 3 में ये कहा गया है एमएनएस ऑफिसर है और इनको ऑफिसर की एमएसपी दी जाती है। इट इज नॉट ड्यू टू द क्वेश्चन ऑफ बीइंग नॉन कंप्लेंट और कंप्लेंट। इन्होंने कहा नॉन कंप्लेंट और कंप्लेंट रैंक का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अब मैं बता दूं जब इनको मैंने ये कहा कि सर एमएसपी के मामले में आप ऑफिसर जेसीओ ओआर नहीं लेते हैं, इसमें ऑफिसर पीबी ओआर को केवल दो कैटेगरी लेते हैं, क्यों जेसीओ ओआर ऑफिसर को 3 कैटेगरी बनाई है, या तो केवल एक कैटेगरी बनाओ सैनिक, नहीं तो इसमें 3 कैटेगरी अलग अलग बनाओ और ऑफिसर जेसीओ ओआर को अलग अलग करो, नहीं तो सिर्फ एक कैटेगरी बनाओ क्योंकि एमएसपी रिस्क फैक्टर के हिसाब से होती है तो रिस्क फैक्टर के हिसाब से मिलनी चाहिए। अब दूसरा इन्होंने जो रिप्लाई कमेंट किया था उसको भी बता दूं, कृपया समझने का प्रयास करें विभिन्न भत्ते
किसी भी कर्मचारी की नौकरी की योग्यता और उसके पद के अनुसार दिया जाता है। यानी कि कोई भी भत्ता है जैसे एमएसपी है, उसकी नौकरी और उसकी योग्यता यानी कि उसके रैंक के हिसाब से दिया जाता है, पद के हिसाब से दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि सिविल में पुलिस कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल का वेतन भत्ते सिपाही और डीएसपी के बराबर होगा, इंस्पेक्टर और डीएसपी के बराबर हो सकता है? तब मैंने इनको जवाब दिया था, अगर एमएसपी में ऐसा नहीं है तो ब्रिगेडियर से ऊपर की रैंक को क्यों नहीं एमएसपी दी जाती है, उनकी तो रैंक ज्यादा है। आप बोल रहे हो कि रैंक के पद के हिसाब से एमएसपी भत्ता ज्यादा दिया जाता है, उनकी रैंक सबसे बड़ी है, इसका मतलब है रैंक पद के हिसाब से एमएसपी नहीं दी गई है, रिस्क के हिसाब से एमएसपी दी गई है। यदि रैंक पद देखकर एमएसपी दी गई होती तो ओआर जेसीयू को एक ही एमएसपी नहीं दी जाती, उनको जो जेसीयू है वो गजेटेड ऑफिसर 2 है और उनको सिपाही से तुलना की गई है एमएसपी देने में। तो इन तथ्यों का कोई जवाब नहीं था और मैंने इनको एमएनएस की जो आरटीआई आई वो भी इनको दिखाई, तब इन्होंने कहा कि एमएसपी में जो केस है आपका बिल्कुल सही है और पुख्ता है, आपको मैं आगे दिखाता हूं। ये आरटीआई आई थी जिसमें जो 11 सवाल पूछे गए थे उसमें आरटीआई से बिल्कुल खुलासा हो गया कि जो एमएनएस है वो किसी भी हक नहीं उनका बनता है कि उनको एमएसपी जेसी ओआर से ज्यादा दी जाए। अभी मैं बता देता हूं कि जो एमएसपी में तो भेदभाव हुए हैं, ओआरओपी में भी बहुत बड़े भेदभाव हुए थे जिसकी वजह से आंदोलन चल रहा है। ओआरओपी में एक एवरेज बढ़ोतरी 7.8% की हुई है सिपाही से लेके ओनली कैप्टन तक, वहीं ऑफिसर रैंक को 30% की एवरेज बढ़ोतरी हुई है। अब मैं बता दूं कि जो जेसीयू है उसमें आप देख सकते हैं सूबेदार नायब सूबेदार से 4%, नायब सूबेदार सूबेदार 2.5%, सूबेदार मेजर को 6%, ऑनरी लेफ्टिनेंट को 4%, ऑनरी कैप्टन को 6% की मात्र बढ़ोतरी हुई है। तो आप देख सकते हैं कितना कम बढ़ोतरी हुई है, तो ओआरओपी 2 में भी बहुत बड़ी विसंगति पैदा हुई है। अब मैं बता दूं ईसीएचएस बेनिफिट अगर लिया जाता है तो उसमें जेसीयू ओआर को एक ना करके अलग अलग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जेसीयू को अलग सेमी वार्ड दिया जाता है, ओआर को जनरल वार्ड दिया जाता है और इसमें ऑल ऑफिसर को प्राइवेट वार्ड दिया जाता है। तो जब जो ईसीएचएस की फैसिलिटी लेने में इनको अलग अलग किया जा सकता है तो एमएसपी देने में भी अलग अलग किया जा सकता है, नहीं तो एक किया जाए सभी को जेसीयू ओआर और ऑफिसर को, तो ऐसा नहीं हुआ है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसका लेटेस्ट अपडेट आने वाला है, तो उसके बारे में आपको मैं आगे बताता हूं।